Hey guys, welcome back to my channel. I am Neha and you're watching Kalakari Life by Neha. आपने बहुत जगह देखा होगा वॉल आर्ट्स या फिर कुछ भी कह लो कि कहीं वॉल डेकोर में आपने ये सब पक्का देखा होगा, कहीं टीवी में या कहीं पे भी. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस थिंग अगेन विथ वेरी नॉमिनल प्राइस. सो बैक टू DIYs अगेन. सो आज का जो DIY है वो बहुत ही यूनिक DIY है. बट आपने ऐसे DIYs ना स्टोर्स वगैरह में देखे होंगे. DIY नहीं, मतलब ऐसा जो फोटोज फ्रेम है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देखा होगा. बट आई एम गोइंग टू रिक्रिएट दिस फोटो फ्रेम और दिस आर्ट इन आर DIY. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी हाउ आई डिड इट. गाइज, ये DIY बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये मिठाई के बॉक्सेस. जी हाँ, बिल्कुल ये बॉक्सेस से ही हम बनाएंगे आज का DIY. और ये बॉक्सेस नॉर्मली आपको मिठाई के डब्बों में, बॉक्सेस में और जैसे शोपीस वगैरह आते हैं ना, उन सब में आपको मिल जाएगा. बहुत यूज़फुल होते हैं इस तरीके के बॉक्सेस, तो इन्हें हम हमेशा संभाल के रख सकते हैं और इनका हम बहुत सारे ऐसे डिवाइस बना सकते हैं. सो उनमें से कुछ आज हम बनाने वाले हैं. सबसे पहले जो ये स्क्वायर शेप, अगर आपके पास ऐसे बॉक्सेस नहीं हैं तो आप इस तरीके के स्क्वायर शेप में इसको कट कर ले और यहाँ पर आपको एज एन फ्रेम की तरह एक शेप मिल जाएगी. बाद में क्योंकि इनका कलर रेड है तो आप एज एन रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे चाहिए था ब्लैक कलर. तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्प्रे पेंट, और स्प्रे पेंट से मैंने इनको कर दिया है ब्लैक इन कलर. सो इन्हें हम ब्लैक स्प्रे पेंट कर देंगे और उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट DIY पे. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बॉक्सेस एकदम ब्लैक कलर में बिल्कुल रेडी हैं. चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ. यहाँ पे मैंने एक फॉर्म पेपर लिया है. फॉर्म पेपर आपको स्टेशनरी पे इजीली मिल सकता है. उससे आप एक लीफ की शेप में कट कर लेंगे. इस ये प्रोसेस मैंने ओल्ड DIY में भी आपको दिखा रखा है, इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ. और ये लीफ को कट करने के बाद आप लेंगे ग्लू गन और ग्लू गन से इसकी डिटेलिंग को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे. डिटेलिंग ड्रॉ करने के लिए आप किसी भी तरीके का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने एक लीफ पैटर्न यूज़ किया है तो आप उसी तरीके से करेंगे तो बेटर रहेगा. आप इसे और भी इन्हेंस करने के लिए आप चाहे तो इसे बैम्बू स्टिक से भी ड्रॉ कर सकते हैं या बैम्बू स्टिक से भी डिटेलिंग लेके आ सकते हैं. तो ये है येलो कलर में. मुझे चाहिए था इसे गोल्डन कलर में. आपके पास अगर फॉर्म पेपर ही गोल्डन कलर का है तो वो बेटर रहेगा, बट मेरे पास येलो इन कलर थे तो मैं इन्हें गोल्डन स्प्रे पेंट से स्प्रे कर लूँगी और ये हो जाएंगे इस तरीके के बहुत ही ब्राइट गोल्डन कलर में. अगर आपका स्प्रे पेंट एग्जैक्टली गोल्ड कलर नहीं दे रहा है तो आप पोस्टर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे एक बहुत अच्छा कलर आपको देखने को मिलेगा. सो दैट्स इट गाइस, ये है आज का ये DIY. आप इन दोनों ही मिठाई के बॉक्सेस पे इस तरीके की लीफ जब रख देंगे तो ये बहुत सुंदर एक वॉल आर्ट जैसा बन जाएगा. आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये उभर के आया है ये DIY, और आप इन्हें वॉल पे या एज एन डेकोर पीसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझे
पक्का एक लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे पक्का। और प्लीज़ डू लेट मी नो जो भी है मेरी मिस्टेक्स, और जो भी आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ डू कमेंट और मुझे बताइए, ताकि मैं अपने वीडियोस में करेक्शन करती रहूं और उससे मुझे आगे मोटिवेट भी मिलता रहे कि जो मैं कर रही हूं वो सही है और आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो मेरा वॉच टाइम का जो रेशियो आ रहा है ना वो मोर देन अनसब्सक्राइबर लोगों से ज़्यादा आ रहा है। मतलब जो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनसे मुझे वॉच टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, और वीडियो तो आप देख ही रहे हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।